जो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में एग्जांपल देखते हैं और इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 20, 30 और 40। इसे हम सॉल्व करते हैं, इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा 20, 30 और 40। इसे जब आप कट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप इसे 2 से कट करेंगे, 2 के बाद अगर 3 से जा रहे हैं तो 3 से, 5 से जाएगा तो 5 से, 7 से जाएगा तो 7 से, 9 से, 11 से, जो भी आपका आगे कट होता रहेगा उसमें आपको इसे कट करना है। यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार कट करना है। चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार कट करेंगे। तो आप जानते हैं 2 के टेबल में 2 1 जा होता है 2 और अगला हो जाए 0। इसे जब आप कट करेंगे तो 2 1 जा होता है 2, 3 से छोटा 2 आता है जो क्या होगा 2, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा और बगल में है 10, तो हो गया 2 5 10। इसे जब आप कट करोगे यहाँ पर 2 2 जा होता है 4 और ये हुआ 0। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं, इसके बाद अगला हम करते हैं 2 से 2 5 जा होता है 10, 15 जो है 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। अगला है 2 1 जा 2 और यह हो गया 0। इसके बाद अगला हम फिर से 2 से करते हैं, 2 5 में 5 नहीं आता तो इसे एज इट इज लिख देंगे, 15 नहीं आता तो उसे एज इट इज लिख देंगे, 10 आता है 2 5 जा 10। इसके बाद अगला हम देखते हैं, 2 से हो गया हमारा, अब हम देखते हैं 3 से कोई कट हो रहा है या नहीं। इसके बाद हम देखेंगे 5 से कट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 से कट हो रहा है नहीं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 3 से कट होने का रूल। अगर हम कोई भी वैल्यू दी गई है, अगर उसके फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस को ऐड कर दें और अगर वह 3 से डिविजिबल होगा तो आप बता सकते हैं कि जो 15 दी गई वह भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर ऐड करने पर हमें मिलेगा 6, 6 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि जो दिया गया वैल्यू है वह भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हो 3 5 जो होता है 15, तो इससे भी आप बना सकते हो। यहाँ पर 5 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, ये हो गया 5 5 जा और ये हो गया 5। इसके बाद अगला हम 5 से करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम जो भी वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, जो भी मिला उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमें मिला 2, उसके बाद हमें मिला फिर से 2, यहाँ पर हमें 3 2 मिला, उसके बाद हमें मिला 3 और उसके बाद हमें मिला 5। इसे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम के लिए आपको एक ही इस प्रकार करना है, जबकि एचसीएफ के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा, 20 के लिए अलग, 30 के लिए अलग और 40 के लिए अलग। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हमें मिला 24 और 5। इसे जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 4 जा होता है 20, ये हो गया 2, 5 2 जा 10 और 12, तो इसका एलसीएम हमें मिला 120। इस प्रकार आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको तीनों को अलग अलग करना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम किस प्रकार फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको कट करना सीखना होगा। अगर आप कट करना सीख जाएंगे तो अगर आप एक में बनाएंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम के लिए आपको अलग अलग करना होगा। एलसीएम के लिए आपको 20, उसके बाद आपको करना होगा 30, उसके बाद आपको करना होगा 40। सबसे पहले आप इसे 2 से कट करेंगे क्योंकि इसके इवन प्लेस में 2 दी गई है और आप जानते हैं कि यह 2 से कट हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में यह आता है। तो ये हो गया 2 10 जा 2 1 जा 2 और यह हो गया 0। फिर इसे करेंगे 2 5 जा 10, फिर से इसे करेंगे 5 1 जा 5, ये हो गया। इसे जब आप करोगे 2 के टेबल में, क्योंकि ये इवेन है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा होता है 2, यहाँ पर है 3, तो ये हो गया 2 1, रिमाइंडर बचा, बगल बचेगा 0, 2 5 जा हो गया 10। इसके बाद जब आप इसे करोगे 2 से तो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर इवेन नहीं है। इसके बाद आपको करना होगा 3 से, 3 से चेक करने के लिए मैंने बताया था यदि इन दोनों को ऐड कर देंगे, कोई भी वैल्यू दी गई है अगर वह ऐड करने के बाद 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब है कि ये दिया गया वैल्यू 3 से डिविजिबल होगा। और सेकंड रूल आपके बोले 15 कितने बार में आता है, 3 5 जा होता है 15। इसके बाद इसे 5 से ले जाएंगे। इसके बाद अगला हम देखेंगे 2 से, ये इवेन है तो 2 से जाएगा, 2 जा होता है 4 और बगल में है 2। इसे फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 जा होता है 2 और ये हो गया 0। फिर इसे 2 से करेंगे तो ये हो गया 5
और इसे 5 से करेंगे तो 5 पंजे होता है 5। HCF फाइंड आउट करने के लिए LCM हमने अभी फाइंड आउट किया, जबकि HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज देखना है कि इन तीनों में कौन सा कॉमन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो है वह तीनों में है, तो यहाँ पर हम इसे 2 लिख देंगे। अगला रेशियो फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पर अगर आप 2 देखेंगे तो इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर आप 3 देखेंगे तो इसमें 3 नहीं है, मतलब इसमें ये नहीं होगा। अगला अगर आप 5 चेक करेंगे तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब तीनों में 5 कॉमन है। अगला आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा वह होगा 10। इस प्रकार आप HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं HCM और HCF का। HCM फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ही बॉक्स में बनाना है, एक ही बार उसे कट करना है एक बार लेकर, जबकि HCF बनाने के लिए आपको अलग अलग लेकर कट करना है, और उसके बाद आपको फाइंड करना है कि तीनों में कौन सा कॉमन है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 36, 9 और अगला लेता हूँ 15। इसका हमें सबसे पहले HCF फाइंड करना है, उसके बाद HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए हम इसे एक ही बॉक्स में लेंगे, ये हो गया 36, ये हो गया 9 और ये हो गया 15। इसके बाद इसे कट करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से, यहाँ पर 2 करेंगे, ये हो गया 2 1 या 2। अगला बचेगा 1 रिमाइंडर और यहाँ हो गया 6, तो 2 8 होता है 16। इसे जब हम कट करेंगे तो ये कट नहीं होगा 2 से, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में इवेंट नहीं है, ये भी इवेंट नहीं है। अगला हम देखते हैं 2 से, इसे ये इवेंट दिया गया है 8, तो ये 2 9 होता है 18, ये हो गया 9 और ये हो गया 15। अगला हम करते हैं 3 से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 3 से जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। 3 3 होता है 9, 3 3 होता है 9 और 3 5 होता है। फिर से हम इसे 3 से कर देते हैं, 3 1 3 1 3 5 3 3 ये 5 एज इट इज आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम LCM फाइंड कर रहे हैं। LCM फाइंड करने के लिए हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से और 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4 12 36 क्रॉस 5, इसे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 15 18 180। तो इन तीनों वैल्यू का हमें LCM फाइंड आउट करना था, हमारा LCM मिला 180। जो भी हमारा जो आएगा उसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें LCM मिल जाएगा। इसके बाद हमें अगला फाइंड आउट करना है कि इन तीनों वैल्यू का HCF क्या होगा, मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो। इसके लिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम करेंगे 36, सेकंड कंडीशन में हम करेंगे 9 और थर्ड कंडीशन में हम करेंगे 15। सबसे पहले हम इसे 2 से कट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में इवेन है, ये हो गया 18, 2 1 होता है 2, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा, ये हो गया 16, तो 2 8 होता है 16। फिर से इसे 2 से कट करेंगे, 2 9, 3 से कट करेंगे, 3 3, 3 से कट करेंगे, 3 1। इसे जब आप करेंगे 3 से, 3 3 होता है 9 और 3 1 होता है 1। यहाँ पर आप टेबल भी देख सकते हैं, अगर टेबल में आ रहा है तो आप डायरेक्टली उसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं इसे 3 से, 3 5 होता है 15 और 5 1 होता है 5। अब हमें HCF फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी कॉमन वैल्यू है जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पर अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 2 नहीं है। सेकंड केस में अगर हम 3 देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका HCF हुआ 3। अगला हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगला हम 3 देखेंगे तो इन दोनों में 3 है लेकिन इसमें नहीं है। अगर आप 5 देखेंगे तो इसमें और इसमें 5 नहीं है, बाकी कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो इसमें कॉमन हो, तो इसका जो HCF आएगा वह आएगा 3। एक कंडीशन और होता है जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आता तो उसका HCF हम लेंगे 1। अगर यहीं पर हमें कोई भी ऐसा वैल्यू मैच नहीं खाता जो तीनों में है कोई भी नंबर, तो हम डायरेक्टली इसका HCF ले लेते कि इसका HCF है 1। तो इस प्रकार आप HCF और LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।